हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज का टॉपिक है, केस स्टडी है, गीगाबाइट के ऊपर है और ये GAM68MTS2P+। इसका रिवीजन है 3.1। तो ये भी ट्यूटोरियल के ऊपर बेस करके वीडियो को बना रहा हूँ। मैंने एक ट्यूटोरियल किया था जो नो पार नो डिस्प्ले रीस्टार्टर कुछ देर चलने के बाद, तो उसके ऊपर बेस करके एक नो पार का एक वीडियो बना रहा हूँ। तो ये छोटा मोटा वीडियो है जो फ्रेशर लोग हैं, नया काम सीख रहे हैं, उनके लिए काम आएगा। पहले प्रॉब्लम को दिखाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मैंने SMPS का पावर डाल दिया, एक सेकेंड डाल रहा हूँ। और ये मैंने 4-पिन कनेक्टर डाल दिया और एक फैन और एक डिवा कट, चलो डाल दिया। अब देखो, फॉलो करो। तो मैंने एक चीज बताया था कि नो पावर इशू में साउंड आईसी और लैन आईसी, साउंड आईसी और लैन आईसी मदरबोर्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो खराब होने पर नो पावर आ जाता है। तो उसी के ऊपर बेस करके वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली देखना भी, थ्योरी भी चाहिए और प्रैक्टिकली जानना भी चाहिए कि असल में क्या होता है। जो पुराना जो है एक्सपर्ट है, उनके लिए कोई काम का नहीं है वीडियो, तो वो स्किप कर दे। जो नया सीख रहे हो वो घर से देखो और स्किप मत करो, बिना स्किप करे देखो तो आपका कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखो, अभी मैंने बोर्ड में पावर दिया और एक डिबग कार्ड लगा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर LED जल रहा है, तो ये शॉर्ट है शायद ये स्लॉट। तो मैं यूनिवर्सल डिबग कार्ड डाल देता हूँ, एक इसे हटा देता हूँ। तो अब देखो, इसका PS1 वोल्टेज जो है आ चुका है, क्लियरली देख रहा है। पर इसके साथ साथ और एक चीज मैं दिखा रहा हूँ, ये फैन को हटा देता हूँ। जब भी आपके पास नो पावर कंडीशन का, अच्छे से सुन लो, जब भी आपके पास नो पावर कंडीशन का कोई भी सीरीज, कोई भी कंपनी का कोई भी मदरबोर्ड आ जाए, ओनली डेस्कटॉप, लैपटॉप का नहीं, तो अगर नो पावर है तो पहले एक बार आप पीछे की तरह थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखो, दिख रहा है लेफ्ट साइड में जो LED है वो ठीक है और राइट साइड में जो LED है वो जल रहा है। अभी मैं SMPS को ऑफ कर रहा हूँ, ठीक, ऑफ कर दिया मैंने। अब देखो, ये बंद हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो, अभी चला गया लाइट, फिर से मैं पावर दे रहा हूँ। फॉलो करो इस लैन पोर्ट के LED के तरफ। देखो, मैंने पावर दिया और यहाँ पर राइट साइड में जो LED है ऑरेंज कलर का, वो ग्लो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर PS1 वोल्टेज है, आ चुका है इसका। अब मल्टीमीटर पे आ जाते हैं थोड़ा सा। कहाँ गया मेरा प्रॉप, मिल गया। तो मल्टीमीटर को मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, दिख नहीं रहा है आप लोगों को, अब शायद दिख रहा है। तो DC20 पे सेट करेंगे और एक प्रॉप को हम ग्राउंड करेंगे, ब्लैक प्रॉप को, और देखेंगे कि इसका PS1 वोल्टेज है कि नहीं। देखो, 3.5 वोल्ट इसका अवेलेबल है PS1 वोल्टेज, ठीक है। तो ये बोर्ड शॉर्ट है और ये IC, मैं और एक चीज दिखा दूँ, अभी बोर्ड में पावर दे के रखा है मैंने, देख सकते हो, अभी मैंने पावर दे के रखा है, LED जल रहा है। पर देखो, ये शॉर्टेड है, ये जो लैंड IC है ये शॉर्टेड है, पर ये हीट नहीं हो रहा है। इस ये मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ, पावर अभी मैंने दे के रखा है बोर्ड में। तो देखो, पास से दिखा दो और भी। तो देखो, यहाँ पर मैं लिक्विड डाल रहा हूँ तो कुछ भी इसका सिम्टम नहीं बदल रहा है, हीट नहीं हो रहा है, देख सकते हो। पास से दिखा दूँ, ये हीट नहीं हो रहा है पर ये शॉर्टेड है। तो मतलब हर साउंड IC या लैन IC या कोई भी चिप खराब है, शॉर्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हीट होगा, ठीक है। क्योंकि
आप अगर समझेंगे तो खराब है, तो उंगली से टच करके पता चल जाएगा कि हीट हुआ कि नहीं, उसे चेंज कर देंगे। ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए मैं वीडियो को बना रहा हूँ कि ये शॉर्टेड है। यहाँ पर अभी भी देख सकते हो, इसका एलईडी जल रहा है। देखो, एक सेकेंड में दिखा दूँ, ये देखो एलईडी जल रहा है। बोर्ड में पावर है, दे के रखा है मैंने, ऑफ नहीं किया, पर ये हीट नहीं हो रहा, थोड़ा सा भी, बिल्कुल ठंडा बर्फ की तरह है एकदम। तो देखो ये शॉर्ट है, पर ये हीट नहीं हो रहा है। तो अभी ये जो बोर्ड है, अभी मैं इस बोर्ड को एक डिबग कार्ड डाल देता हूँ, और देखो दिख रहा है ना, अभी मैं इसको टिगर कर रहा हूँ, पर ये नहीं चलेगा। ठीक है, मैं टिगर कर रहा हूँ पर नहीं चलेगा, पर क्रिस्टल को भी अगर शॉर्ट करूँ तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसका जो लेनेसी है ये पूरा खराब हो चुका है, जिसके वजह से ये अभी भी वोल्टेज बोर्ड पे मैंने पावर दे के रखा है। देखो ये PS1 जल रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में कोई भी बोर्ड आपके पास अगर आ जाए, नो पावर कंडीशन में कोई भी बोर्ड आपके पास अगर आए, तो सबसे पहले आप एक बार कुछ भी करने से पहले एक बार लैन पोर्ट को चेक कर ले। अगर ये एलईडी जलता है ऐसे, और आईसी अगर हीट नहीं हो रहा है तो भी चलेगा, पर एलईडी अगर जल रहा है और ट्रिगर करने से बोर्ड चल नहीं रहा है, तो डेफिनेटली आपका जो लैन आईसी है ये खराब है। और ज़्यादातर बोर्ड में लैन आईसी खराब होता है जिस बोर्ड में इंटरनेट चलता है, केबल नेट, केबल RJ45 जैक के थ्रू, जो इस पोर्ट में जो जैक डालते हैं RJ45, इसके थ्रू जिस बोर्ड में लैन चलता है, नेट चलता है, तो उस टाइप के बोर्ड में अगर नो पावर आ जाए तो 100% में 90% बोर्ड में ही लैन आईसी खराब होता है ये वाला, और कभी कभार साउंड आईसी खराब होता है। पर वो तो डीसी पावर सप्लाई से भी आप चेक कर सकते हो, पर उसका वीडियो भी मैंने है मैंने बनाया, लिंक मैं दे दूंगा, देख लेना। तो देखो अभी सिंपल सी बात है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसे हटा दो, इसे भी खोल दो, SMPS को ऑफ कर देता हूँ, इसे खोल दो, कुछ भी नहीं करना है, बस इस आईसी को आपको रिप्लेस कर देना है या फिर रिमूव कर देना है। रिमूव करने से इसका जो लैन है ये काम नहीं करेगा, आपको ये आईसी रिप्लेस ही करना पड़ेगा। ये नया भी मिलता है, इसका प्राइस 100 रुपीज़ इसका प्राइस है अगर नया लगाएंगे तो, और पुराना अगर कई भी बोर्ड में मिल जाता है, ये रियल टक का आईसी है, रियल टक का आईसी हर बोर्ड में मिलता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सिंपली यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, रिमूव करने के बाद एक बार देखेंगे, अगर बोर्ड चलता है तो ये आईसी एक ढूंढ के मैं लगा दूंगा, नया तो मेरे पास स्टॉक में नहीं है, पुराना बहुत सारा है, मैं लगा दूंगा। तो अभी SMD को हीट करने के लिए चालू करता हूँ, और इस आईसी को मैं पहले रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो ये आईसी को रिमूव करना पड़ेगा, ऐसे रखता हूँ ताकि आप लोगों को भी दिखेगा, और SMD मेरा रेडी है, थोड़ा सा पेस्ट डाल देता हूँ यहाँ पर, कहाँ गया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, आईसी हीट नहीं हो रहा है लेकिन बोर्ड ट्रिगर नहीं हो रहा है। ज्यादातर मैक्सिमम टाइप के केसेस में होता है ऐसा, अगर शॉर्ट है तो आईसी हीट होता है बहुत। अब वहां पर थिनर डालोगे, लिक्विड डालोगे, तो लिक्विड क्या बोलता है उसे, स्मेल्ट हो जाता है, गर्म होने के बाद जो उबलता है ना, ऐसा ऐसा करना चालू हो जाएगा अगर आप थिनर डालोगे। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये भाई साहब बिल्कुल सीधा साधा आदमी है, जिद पकड़ के बैठा है कि मुझे ना निकालो और पता भी ना चले आप लोगों को, मैं हीट नहीं होऊंगा। तो चलो इसे निकाल देते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इस टाइम है इसीलिए, तो अभी मैं निकाल रहा हूँ इसे, साथ में रहो, देखते जाओ। चलो ये देखो मैंने निकाल लिया है, ये रख दिया। अब ये देखो ये मैंने इसे रिमूव कर दिया, अब यहां पर
एक आईसी मुझे ढूंढ के लगाना है, ये है वो लैन आईसी, देख सकते हो ये रियल टक्का है, तो इसे हम यहाँ पर रख देते हैं। और मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा आप सब लोगों को, जब भी कभी आप लैन आईसी हो या फिर आयो हो, आप बोर्ड से रिप्लेस करें, रिमूव करें, तब ट्वीजर से मत किया करें। ऐसा एक डिवाइस मिलता है जिस जो वैक्यूम पेन वैक्यूम है, ये आप परचेस कर सकते हो, ये ज़्यादा प्राइस नहीं है, ऑनलाइन में मिल जाएगा आपको। इससे करना, क्योंकि ट्वीजर से हम जब आईसी को उठाते हैं चिप को, तब कभी कभार जो पिन होता है ना एक के साथ एक जुड़ जाता है, और कभी कभार गिर जाने के बाद जो आयो उठाने के बाद गिर जाता है, पर वो काम का नहीं रहता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा जो भी काम करते हो नया लोग, वो एक खरीद लो, ज्यादा प्राइस नहीं है, 300-350 में मिल जाता है ये ऑनलाइन में, ठीक है। मैं क्यों बोल दिया, क्योंकि कोई देखेगा तो बोलेगा सर ये कहाँ से लिया कहाँ से लिया, इसलिए पहले ही बोल रहा हूँ, ऑनलाइन में मिल जाएगा, अमेजोन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा क्लीन करेंगे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ कॉटन से, और आईसी रिमूव करने के बाद थोड़ा सा पास से देख लेना जो कोई भी ट्रैक किसी से जुड़ा हुआ है तो नहीं, एक के साथ एक, तो ये अभी फिलहाल नहीं है, क्लियर है, तो चलो अब देखते हैं। तो अभी बोर्ड में हम पावर देंगे और देखेंगे जो इसका प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं, जो लाइट जो यहाँ पर जल रहा था वो चला गया कि नहीं वो देखेंगे, और बोर्ड ट्रिगर होता कि नहीं वो भी देखेंगे। तो चलो अभी पावर देता हूँ मैं, चलो पावर दे दिया, डिबग कार्ड में एलईडी ग्लो हो गया, और यहाँ पर जो एलईडी जल रहा था वो चला गया, आप देख सकते हो कोई भी एलईडी जल नहीं रहा है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से अब जो बोर्ड है ये चलने के लिए रेडी है, अगर अदरवाइज कोई इशू नहीं है तो चलेगा, और अदर कोई इशू है तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, और भी कोई भी सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि लैन आईसी और साउंड आईसी की वजह से भी बोर्ड नो पावर कंडीशन में चला जाता है, इसीलिए मैं वीडियो को बना रहा हूँ, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है जो नया नया काम सीख रहे हो, ठीक है। तो देखो अभी मैं ट्रिगर कर रहा हूँ, और उससे पहले ट्रिगर करने से पहले मुझे एक कहाँ गया तो मिल नहीं रहा है, चलो ट्रिगर कर देते हैं। देखो अब जो ट्रिगर हो रहा है बोर्ड, एक चांस में बोर्ड में डिस्प्ले आ जाएगा, मेरे ख्याल से C1 है, देखते हैं चेंज होता है कि कोडिंग नहीं, और यहाँ पर तो 00 है, C1 कोड का वेरिएशन बार बार हो रहा है। यहाँ पर एक बजर रखा था मैंने, वो कहाँ रखा, यहीं पर तो रखा था, कहाँ गया, एक बार ऑफ करते हैं, जो आप कट को हटा देते हैं, बजर था यहाँ पर मेरा, असेंबली को ऑफ कर देते हैं, C1 हीरो आ रहा है, चलो रैम को एक बार टाइट करके फिर से पावर ऑन करते हैं, चलो पावर ऑन कर दिया, चलो बोर्ड में डिस्प्ले आ गया, पर फिलहाल मेरा जो बजर है वो मिल नहीं रहा है, पर कहाँ गया, तो कहाँ गया भाई, यहाँ पर तो तुझे रखा था, ओ मिल गया, मैं बजर को लगा देता हूँ, और एक बार रिस्टार्ट करूँगा, और डिस्प्ले को डालता हूँ वीजीए को, और एक कीबोर्ड भी डाल देता हूँ, कहाँ गया ये वाला कीबोर्ड डाल दिया मैंने, कीबोर्ड भी डाल देते, देखते डिस्प्ले इसका है कि नहीं, हाँ डिस्प्ले तो इसका है, देख सकते हो आ चुका है, और मॉनिटर पे देख चले जाते हैं एक बार। तो देखो मॉनिटर पे जाता हूँ मैं, ये देखो इसका डिस्प्ले आ चुका है, एक बार रिस्टार्ट करता हूँ मैं, यहाँ से रिस्टार्ट कर दिया, आप देख सकते हो
इनका वेरिएशन हो रहा है। चलो डिस्प्ले का बीप दिया, डिस्प्ले आ चुका है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, छोटा सा प्रॉब्लम है, पर आपके पास भी आ जाए तो सिंपल तरीके से इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक्स्ट्रा कुछ करने जाओगे तो प्रॉब्लम और भी बिग हो जाएगा। तो देखो अभी तो बिल्कुल डिस्प्ले है, कोई भी और इशू नहीं है, बस एक लैन कार्ड का इशू था, लैन आईसी का। तो वीडियो अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिला तो चैनल को डू सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।